अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 13.2 की, जिसका ये क्वेश्चन नंबर है 1। ठीक है जी, क्या कह रहे हैं एक बार क्वेश्चन पढ़े। दी फॉलोइंग टेबल शोज दी एजेस ऑफ दी पार्टिसिपेंट्स पेशेंट्स एडमिटेड इन अ हाउस हॉस्पिटल ड्यूरिंग अ ईयर। ठीक है, द फॉलोइंग टेबल शोज दी एजेस ऑफ दी पेशेंट। अच्छा ठीक है, वो ये कह रहे हैं भाई किसी हॉस्पिटल में पेशेंट्स जो है वो एडमिट है, ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी एज 5 से लेकर 15 इयर्स के बीच में, ऐसे हैं 6, ऐसे कितने पेशेंट्स हैं जिनकी एज 15 to 25, ऐसे 11 पेशेंट्स जो है वो एडमिटेड है, स्टूडेंट ही निकलता है मेरे मुंह से, और 25 से 35, ऐसे कितने लोग हैं जिनकी एज 25 से 30 के बीच में है, ऐसे हैं जी 21 एंड सो ऑन। ठीक है, उल्टा नहीं हो गया भाई, जो यंग लोग हैं वो ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं, जो बूढ़े बाड़े लोग हैं वो ठीक ठाक हैं, या लोग एडमिट ही नहीं कराते उन्हें छोड़ो कौन खत्म करे, ऐसा तो कुछ नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए, मजाक कर रहा हूँ। देखो तो जरा, फाइंड द मॉड एंड द मीन ऑफ द डेटा गिवन अबव, कंपेयर एंड इंटरप्रेट दी टू मेजर ऑफ दी सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का क्या मतलब है कि एक नंबर में अपना आंसर देना, ठीक है, वो होता है सेंट्रल टेंडेंसी। अंग्रेजी थोड़ी कमजोर है मेरी, तो इसका जी मीन भी बताना है और मॉड भी बताना है। पहली बात तो कंटिन्यूअस डेटा है, हाँ जी ठीक है, फ्रीक्वेंसी तो कंटिन्यूअस है। पहले क्या करें, मॉड बता दें या पहले मीन बता दें? पहले मीन बता देते हैं, मीन में टाइम लगता है। वैसे तो मन कर रहा है मैं छोड़ दूं इसको, मीन मीन तो करा चुका हूं मैं इससे पहले वाली एक्सरसाइज में, बट कोई बात नहीं, छोड़ दूं पक्का, मॉड मॉड करा दूं सिर्फ, तो फिर तो कुछ जरूरत ही नहीं है, ये लो जी हटा दिया, मॉड करो। मीन आप लोग फर्स्ट एक्सरसाइज में समझ चुके हो। अब जरा ध्यान दीजिएगा, इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? सबसे बड़ा नंबर है ये वाला, ये है आपका F1। F1 से पहले वाला होता है आपका F0, और उसके बाद वाला क्या होता है F2। जो सबसे बड़ा नंबर होता है उसके पीछे वाली जो क्लास इंटरवल होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, मॉडल क्लास। क्या बोलते हैं? मॉडल क्लास, कुछ लोग मॉडल क्लास बोलते हैं, जो ठीक लगे बोल देना, हमें तो जी अपना आंसर निकालना है बस। कौन है? लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास, ये कितना आ जाएगा जी, इसकी लोअर लिमिट कितनी है? 35। ठीक है, क्लास साइज, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, आंसर कितना आ जाएगा जी? और कुछ जरूरत है हमें? और तो कुछ भी नहीं जरूरत, सब कुछ मिल गया। अब हमें क्या जरूरत है? हमें जरूरत है जी फॉर्मूले की, ये लो जी मॉड। मॉड का फॉर्मूला क्या होता है? लोअर लिमिट प्लस F1 माइनस F0 ओवर 2F माइनस F0 माइनस F2। पूरा सॉन्ग बना दिया, नहीं बना दिया मैंने, एक अच्छा रैपर बन सकता हूं मैं, मैथ्स का रैपर है, सारे फॉर्मूले एकदम एक रैप में बच्चों को याद हो जाएगा एक ही बार में। वैसे करते हैं कुछ लोग, पता है भाई। तो देखो जी, लोअर लिमिट कितनी है? 35। F1 कितना है? 23 माइनस F0 कितना है? 21 ओवर 2 इंटू F0, सॉरी F1 इज 21 माइनस F0 F1। अच्छा तो जल्दबाजी में गड़बड़ हो जाती है, अभी F2 की वैल्यू कितनी है? 14 इंटू H की वैल्यू कितनी है? 10। ठीक है, H की वैल्यू है। अब 35 प्लस इसको सॉल्व करोगे 2, 26, 26 में से 1 निकाल दिया, कितना बचा? 26 में से, अच्छा 46 है, सॉरी 46 में से 21 निकाल दिया, तो हाँ 25 आ रहा है। 25 माइनस 14 कितना आ जाएगा? 11। कितना आ जाएगा? 25 माइनस 14 11 आ गया, इंटू 10। अब 35 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 11 कितना आ जाएगा? कितना आ रहा है बताओ जल्दी से, रैंडम कैलकुलेट करो, वंजा और फिर
जीरो लगाओगे तो एट जा, ठीक है, तो मॉड कितना आ गया 36.8। हो सकता है आगे कुछ और भी हो, 38 पॉइंट मैंने थोड़ा अप्रोक्स में कर दिया है, ठीक है, यही है। तो ये हो गया जी आपका आंसर, क्लियर हो गई बात या नहीं? ऐसा करना है इजी, मीन आप लोगों को आता है, इससे पहले वाली एक्सरसाइज में हमने प्रॉपरली कर लिया तो वो आप खुद कर लोगे, ठीक है, नोट करो।